तमाम लोगों को मैं अपने प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। अच्छा, उस टॉपिक में हमें क्या करना है, हमें आज का टॉपिक हमारा है डेटा क्लीनिंग। आज का हमारा टॉपिक है डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है असल में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एक शीट है, ठीक है, ये शीट है। अब इसमें से मुझे जो है डेटा क्लीन करना है, मतलब आप ये समझे कि ये बिल्कुल अच्छे फॉर्म में नहीं है और इसको मुझे एक क्लीन और प्रॉपर तरीके से लाना है। तो वो मैं कैसे लाऊंगा, इसमें आपको दो फायदे होंगे। आप फॉर एग्जांपल इससे ऑनलाइन काम भी कर सकते हो, कहीं भी अगर आप चाहें अपने फेसबुक में जाएं या किसी वे, मैं आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म में यहाँ आपको ऑनलाइन काम मिलेगा। एक ही अब हम जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, एक जगह पर हम जाते हैं, हमने यहाँ पर खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइवर में चले जाते हैं, ठीक है। फाइवर में हम जाकर हम यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं, यहाँ पर डेटा हम यहाँ पर चेक करते हैं डेटा एक्सेल डेटा क्लीनिंग। तो यहाँ पर आप देखें आपको बहुत सारे गिग्स मिलेंगे। अब हर गिग्स की अपनी, अब देखें इसके पास 682 ऑर्डर्स हैं और ये 5.0 रेटिंग है। आई विल क्लीन एक्सेल एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सेल डाटा क्लीनिंग डाटा क्लीनिंग। अब वो एक ऑर्डर के 58 दरम ले रहा है। तो आप देखें यहाँ पर कितने सारे गिग्स हैं। अब इसमें कहता है सिंपली आई विल क्लीन एंड फॉर्मेट एक्सेल डेटा, ये भी 58 ले रहा है। आई विल डू एक्सेल डेटा क्लीनिंग डेटा एंट्री रिसर्च वर्क, ये भी आपको 116 ले रहा है। ये देखो आप कितने सारे गिग्स मिलेंगे और इन सबके पास कोई ना कोई ऑर्डर है, ऐसा नहीं किसी को ऑर्डर नहीं मिला है। इसको अभी आपको जैसे फर्स्ट में आपको दिखा दूं, इसको 682 मिला है, इसको 126 मिला है, इसको 7 ऑर्डर्स मिले हैं, इसको 114 मिले हैं। सबके पास ऑर्डर्स भी है और रेटिंग भी है, आप देख रहे हैं इन सबको रेटिंग भी है। तो ये बहुत ही सिंपल वर्क है, आप भी कर सकते हैं, आप घर में बैठकर ये काम कर सकते हैं। अब देखिए सब, अब इसमें आप अब देखिए इसको 553 यानी ऑर्डर्स ये कर चुका है, 553 ऑर्डर्स ये कर चुका है। आप भी इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक शीट है, ठीक है। तो इस शीट पे हमने अब यहाँ देखें ये डेटा हमारे पास, ये जितना भी डेटा है ये हमारे पास क्लीन नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपली कंट्रोल ए दबा के, सॉरी इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए दबा के आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अब आपको इसमें एक शॉर्टकट की दबाना है, उस पे Alt+H+O+I, ठीक है। क्या क्या आपको दबाना है, Alt+H+O+I करके। अभी आप देखें यहाँ पर आपका जो डेटा है वो डेटा एक तरह से पूरा का पूरा मैनेज हो गया। अब सिर्फ मैनेज हो गया है, अभी डेटा अभी तक क्लीन नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें ये आपको एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें हैं, ये देखें ये अननेसेसरी चीजें भी हैं, सिर्फ अभी अरेंज हुए हैं क्लीन नहीं हुए। अब क्लीनिंग के लिए आपको क्या करना है, क्लीनिंग के लिए आपको ये करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, ठीक है। कंट्रोल ए दबाने ए से हम ये इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कहाँ पर, यहाँ फाइंड सिलेक्ट पे जाके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो सिंपली यहाँ से आके यहाँ रिप्लेस कर दें, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। वो शॉर्टकट की आपका है
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है हम Alt+HOA करते हैं, ठीक है, Alt+HOA करते हैं। अभी हमारे पास ये पूरा रेंज हो गया। फिर से हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जो इसमें से अननेसेसरी चीजें वो हमें निकालना है और हमें इसको थोड़ा सा क्लीन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+H दबाएंगे, ठीक है। Ctrl+H दबाने के बाद ये आपके पास खुलेगा, इसमें एक छोटा सा फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके इसके साथ हम मल्टीप्लाई स्टार का साइन देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको जो है सॉरी इसको हम सिलेक्ट करेंगे। पहले हमें इस शीट को करना है, ठीक है। अभी हम फिर से Ctrl+H करेंगे, ठीक है। Ctrl+H करने के बाद मैंने जैसा आपको बताया था, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके साथ फिर हम जो है मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। ये देखो ऑल डन, वी मेट 31 रिप्लेसमेंट, ओके करके क्लोज कर दें। तो ये जी जनाब आपका डेटा, यहाँ से अननेसेसरी चीजें आपके मूव हो चुके हैं, ठीक है, मूव हो चुके हैं। अब ये देखें, ये सारे के सारे जो है आपका आपका डेटा क्लीन होकर आ चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। और ये काम, अब आप पूछेंगे कि ये काम जब कोई इतना आसान है तो लोग हमें ऐसा काम क्यों देंगे, तो भाई कस्टमर को नहीं पता, कस्टमर को ये ट्रिक्स नहीं मालूम होते हैं, इसीलिए अगर वो 2-4-6 डॉलर देकर अपना काम करवा देगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये ट्रिक्स आपको पता है, कस्टमर को नहीं पता। अब देखें आपका ये जो शीट है, अब जहाँ नीचे जितना नीचे तक भले 5,000 ही क्यों ना हो, आपके पास ये शीट पूरा का पूरा फिल्ड हो डेटा से, आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप उस डेटा को क्लीन कर सकते हो। और आप जो है यहाँ पर आके ये फाइवर में, अपवर्क में, ये सिर्फ फाइवर नहीं है, यहाँ अपवर्क भी है, यहाँ freelancers.com भी है, फेसबुक में भी आपको पेजेस मिलते हैं जहाँ से आप अपना गिग, आप देखें इन तमाम लोगों ने अपने अपने गिग्स बनाए हैं, ठीक है, और इन लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ पूरा एंड तक देखें, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे नीचे आते हैं तो सबसे नीचे जो है इसको भी एक ऑर्डर मिला है, ठीक है। ये नहीं कि इसको ऑर्डर नहीं मिला है, इसको इन सब तमाम के तमाम लोगों को ऑर्डर सबको मिला है, इन तमाम तमाम जितने भी लोग हैं, इसको 12 ऑर्डर, इसको 3 ऑर्डर, इसको 4, नीचे से इसको 2 ऑर्डर, सबको ऑर्डर मिले हैं। तो भाई अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, देखें आपका भाई आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स देगा, एक्सेल एमएस ऑफिस के आपको तमाम के तमाम चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको मैं ट्रिक्स बहुत ही प्यारा दूंगा। तो वो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें, और अगर आपको इससे टेक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं वो वीडियो आपको आपके लिए ट्राई करूंगा, वो वीडियो आपके लिए बनाऊं, और ना सिर्फ बनाऊं बल्कि वो आपको जो है वो सिखाऊं अच्छे तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे आपके भाई की हौसला अफजाई होगी।